हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्लास 11th, चैप्टर नंबर 3। बेटा ये मैं ना आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ, ये कुछ चैप्टर हमारा आएगा 4 to 5 मार्क्स का सिर्फ, मतलब थ्योरिकली। अब आप लोगों का जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम होंगे इसमें ऐसे पूछ सकते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, मतलब आपको 3 दे देंगे और यू हैव टू एक्सप्लेन, 4 मार्क्स में पूछ लेंगे, लास्ट 5 मार्क्स में पूछ लेंगे। तो आपको ये सारा आने की वजह सबके बाद ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, वो आपसे ऐसे पूछेंगे, 2 या 3 दे देंगे, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस। बिना रूल और रेगुलेशंस के अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि आपने जितने भी किए हैं कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, और डेट किस में आएगी, फॉर्मेट कैसे बनना है, कैश बुक कैसे बनेगी, आगे चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या फॉर्मेट है, जर्नल का क्या फॉर्मेट है, ये सारे हैं विद रूल रेगुलेशन। ऐसे ही नहीं आप लोग लिख सकते हैं कुछ भी, विद रूल्स और रेगुलेशंस के साथ यू हैव टू ट्रांसफ़र ऑल द ट्रांजेक्शन्स, क्लियर। अब देखो मैं तुम्हें नॉर्मली बता रही हूँ होता क्या है, मेन आएगा आपका यहाँ से। आपको हर टॉपिक की, जैसे मान लो ये आ जाता है आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, आपको 4 to 5 लाइन्स तो बुक की ही करनी है जिसमें एग्जैक्ट मीनिंग होगा, उसके बाद आप अपने आप बढ़ा देंगे, आप समझ रहे हैं। 4 to 5 लाइन बुक की करोगे तो उससे मीनिंग क्लियर होगा और बुकिश लैंग्वेज आप लोगों को आएगी, उसके बाद उसको ना आप अपनी लैंग्वेज में आगे बढ़ा सकते हैं, 5 से 10 आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको ऐसे करना है ये चैप्टर। कह रहे अनलाइक इन द पास्ट व्हेन अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर लार्जली नीडेड बाय द प्रोप्राइटर, वो कह रहा है कि पास्ट में जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट थी ना बहुत ज़्यादा जब जरूरत थी, दीज डेज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर नीडेड बाय वेरियस पार्टीज, इन दिनों अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ना बहुत सारी पार्टीज़ जो बिजनेस में रिलेटेड होती हैं, जिनको बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके लिए ज़रूरत होती थी, हु हैव इन्वेस्टेड इन इंटरेस्ट इन द बिजनेस, जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट था, नेमली प्रोप्राइटर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्ट करता है पैसा, क्रेडिटर जिनसे हमें पैसा लेना होता है, मतलब हम जिनको पैसे पेमेंट करेंगे, ठीक है, हमसे जो पैसे लेंगे वो होते हैं हमारे क्रेडिटर, गवर्नमेंट और मैनी अदर्स, ये सारे वो हैं जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हुआ करते थे, जिनको अकाउंटिंग स्टेटमेंट की जरूरत उस टाइम हुआ करती थी। कह रहा है अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ना वो क्या डिस्क्लोज करती है, प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, एंड सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब है उनके पास कैश कितना है, कितना कैश है अवेलेबल है ऑफ द बिजनेस टू द वेरियस पार्टीज, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज, वो कहते हैं इसीलिए ना हमें क्या हुआ, क्योंकि सबको ज़रूरत थी अकाउंटिंग स्टेटमेंट की, इसलिए हम अपनी लैंग्वेज में ना लिख के हमें ज़रूरत हुई कि कुछ अच्छी स्टैंडर्ड वाली लैंग्वेज होना चाहिए इसको लिखने के लिए, और विद रूल्स और रेगुलेशंस के साथ हमें इसको लिखना चाहिए। कह रहा है दीज रूल्स आर यूजली कॉल्ड, इनको ही कहते हैं जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये आपसे 1 मार्क्स में पूछ लेगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GAAP, तो जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो वो कह रहा है दीज प्रिंसिपल हैव बीन जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट्स, ये प्रिंसिपल किसने एक्सेप्ट किए, अकाउंटेंट्स ने जो अकाउंट्स का काम करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, एज जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जिसमें जिसको कैसे लेते थे ये, कि ये जनरल गाइडलाइंस है क्या स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। देखो अब ध्यान से सुनना इसका नेचर क्या क्या है, ही मीनिंग क्लियर हो जाता है, इतना बहुत है। फिर इसके मेन इसका क्या था, हमारा नेचर क्या क्या है, ये एक सेट ऑफ रूल्स है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, जिसको चाहे छोटे लेवल का बिजनेसमैन यूज़ करे चाहे बड़े लेवल का बिजनेसमैन यूज़ करे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, मतलब ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसे, रूल्स का एक सेट है जो यूनिवर्सल लेवल पर हम लोग वही रूल और रेगुलेशन, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, सब यही रूल रेगुलेशंस यूज़ करते हैं, इन्हीं प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस डेवलप्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्लियर आ रहा है। एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक जैसा लाने के लिए, और ईजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड, ये मैन मेड ही हैं, ठीक है।
ठीक है, ये लॉ नहीं डिफाइन करता, ये मैन ने डिफाइन किए कि एक बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए हमें लगता है ये लैंग्वेज होनी चाहिए और ये रूल्स रेगुलेशंस। तो ये क्वेश्चन आ जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर डैश, तो ये याद रखना आप क्या है, ये मैन मेड है। क्लियर? कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड एंड आर ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन, जो किसके साथ आए हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ और किसी रीजन के साथ साथ, मैन नहीं लोग ही इसे लेके आए हैं। दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड, ये साइंस की तरह नहीं है कि लेबोरेटरी में टेस्ट हो रखे हैं, एंड हैंस दे लैक यूनिवर्सल एबिलिटीज एप्लीकेबिलिटीज लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड अदर नेचर साइंस। वो यही कह रहा है कि हैंस दे लैक, और वो लैक हैं ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की तरह ना, ये लेबोरेटरी में टेस्टेड नहीं है, ये मैन मेड है, लोगों ने रीज़न के और अपने एक्सपीरियंस के लिए अच्छा बिजनेस करने के लिए बनाए हैं, जो एक वक्त के साथ साथ खुद खुद लोगों ने जैसे कुछ चेंजेस कर करके कि ये हम रूल रेगुलेशन यूज़ करेंगे अकाउंट्स में तो अच्छा होगा, ड्यूअल कंसेप्ट करेंगे तभी तो हमारे को पता लगेगा कि क्या फाइनेंशियल पोजिशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको मतलब फ्लेक्सिबल चेंज कर सकते हैं, आप दूसरा प्रिंसिपल मतलब अराउंड ऑफ जितने भी ये प्रिंसिपल हैं 11 उनमें से आप कोई भी 5, 4, 3 जितने भी आपके लिए यूज़फुल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड, वही जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं जो सिर्फ एक गाइडलाइंस बताते हैं कि आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। ये रेलिवेंस होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो रेलिवेंस का मतलब होता है कि बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, एक तरह से रिलायबल होना चाहिए, और फिर इसका ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिजिबिलिटी का मतलब होता है ये किसी भी कॉस्ट, मतलब ऐसा नहीं है किसी को पे करके ही आप हर कंडीशन में ये हर सिचुएशन में ये क्या होने चाहिए जो हम यूज़ कर सकें, ठीक है। बस आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए, अगर फीचर्स आ जाते हैं तो आप लोग लिख दोगे, ठीक है। नीड क्यों हुई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, ध्यान से सुनना, कह रहे वही यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए, ठीक है, और सब यूज़फुल कर सकें, रिलायबिलिटी लाने के लिए, ठीक है, एक कंफर्टेबल लैंग्वेज, जैसे हमने जो पढ़ा है ना वही सारी चीज़ें आप यूज़ में लिख सकते हो, इसके लिए कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। भाई देखो ये एक ऐसी लैंग्वेज है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशंस है, रूल्स है, ठीक है, जिससे हम रूल्स फॉलो करेंगे तो एग्जैक्ट हमें रिजल्ट मिलेगा, आप अपनी लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं, बस एक बार रीडिंग ले लेना, ठीक है। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो टाइप के होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अजम्पशंस भी बोल सकते हैं उसको, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब ध्यान से सुनना, कंसेप्ट्स और अजम्पशंस में क्या है, ये तो ज़रूरी हैं, इनको यूज़ करना ज़रूरी है, चाहे आप 4 यूज़ करें, 5 करें, 6 करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये लॉ कहता है भाई ये यूज़ करने पड़ेंगे आपको। लेकिन जो कन्वेंशन है ना वो आप अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग यूज़ भी कर सकते हो और ज़रूरी भी नहीं आप करो, लेकिन कंसेप्ट यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है, लेकिन कितने करने हैं वो आपकी मर्जी है, क्योंकि बिजनेस का लेवल देखा जाएगा। फिर वो कहता है, ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना 1 के अकॉर्डिंग है, किसने किया है, इशू किए हैं ये सारे प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये आ जाता है, ठीक है। देयर आर द फंडामेंटल्स अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अजम्पशन, क्या क्या है, सबसे पहले गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब देखो यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस कि वो पूछेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, या फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, क्लियर हो रहा है। देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग मतलब चलते रहना चाहिए, कंसर्न कंसेप्ट मतलब लगातार चलते रहना चाहिए, ध्यान से सुनना। अब देखो हमेशा बिजनेस, जब भी आपको मतलब जैसे हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं चाहे वो बड़े लेवल पे है हो चाहे छोटे लेवल, बेटा पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग का मतलब होता है लगातार, कंसर्न चलने वाला कंसेप्ट। हम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या एज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा, हम लाइफ टाइम अपने बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, कम से कम हम 10-15 ईयर्स उसे कॉन्टिन्यू करेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं कोई मशीनरी भी परचेज़ कर रही हूँ तो मैं एक ही साल बाद ही उसे बिजनेस बंद नहीं कर दूँगी, मैं उसे लाइफ टाइम मतलब कम से कम 10 साल या 20 साल उस बिज़नेस को आगे चलाऊँगी। इसलिए जो आज मैं मशीनरी पे 5 लाख रुपीज़ जो भी मैं पैसे लगा रही हूँ मतलब जितना भी है, तो उसे अगर मैं ये एज्यूम मान लो वो मशीनरी मेरी 5 लाख की आई है, ठीक है, और मैंने एज्यूम करा है कि मेरा बिज़नेस है ना 10 ईयर्स चलेगा,
कितने ईयर चलेगा, 10 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 10। तो मैं अगर मैं पूछूं आपसे, अगर वो बिज़नेस 10 ईयर चलेगा तो एक साल की मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई, 50,000। तो इसका मतलब अगर मैंने 2000 बिज़नेस 21 में शुरू करा है तो मैं क्या एज्यूम करूंगी कि मेरे करंट ईयर के जो एक्सपेंसेस है वो 50,000 ही हैं, 2022 में भी मेरे 50,000 हैं, ऐसे कर करके 2031 पे आ जाऊंगी मैं, ठीक है, तब लास्ट 50,000, इसीलिए टोटल हो जाएंगे 5 लाख। हमेशा अगर मैं एक ही साल के लिए बिज़नेस एज्यूम करूंगी और मैंने मशीनरी 5 लाख की परचेज़ कर ली, तो भाई देखो प्रॉफिट कुछ कमाया नहीं और एक्सपेंसेस में मैंने 5 लाख रुपीस दिखा दिए, फिर तो ये बस एक्सपेंसेस ही आएंगे, है ना। इनकम्स तो मतलब मैं तो लॉस में चली जाऊंगी, इसलिए क्या दिखाते हैं कि शो क्या करते हैं बैलेंस शीट में कि जो ये बिज़नेस है ना, क्योंकि 10 ईयर्स तक रहेगा तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस सिर्फ 50,000 है, फिर नेक्स्ट ईयर के 50,000 है, अगर 20 ईयर्स तक चलेगा बिज़नेस तो 25, 25, 25, मतलब जितने साल तक आप एज्यूम करते हो कि हमारा बिज़नेस चलेगा उससे डिवाइड कर देते हैं, 1 ईयर के एक्सपेंसेस आ जाते हैं और उनको हम शो कर देते हैं करंट ईयर के एक्सपेंसेस से। मतलब हम करंट ईयर के एक्सपेंसेस अब यहाँ पर कितने शो करेंगे मशीनरी के, 50,000, ना कि 5 लाख, ठीक है। वो कहता है एज पर दिस कंसेप्ट इट इज़ एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर, कि वो एग्जिस्ट में रहेगा लॉन्ग फ्यूचर तक। कह रहा है द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑन द अजम्पशन दैट इट इज़ कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइज, और इसी अजम्पशन पर कि बिजनेस कॉन्टिन्यू एंटरप्राइज है, लगातार चलने वाला एंटरप्राइज है, उसी के अकॉर्डिंग हम बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं। इट इज़ ऑन दिस कंसेप्ट दैट वी रिकॉर्डेड फिक्स एसेट एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब यही जितने का हमने खरीदा है, जितने हमने पैसे पे किए हैं वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर लिखते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पर, क्योंकि मार्केट वैल्यू कब मेन है हमारे लिए। मार्केट वैल्यू कब हम डिफाइन करेंगे, जब हमें बिजनेस मशीनरी सेल करनी हो, लेकिन हमने तो लाइफ टाइम चलाना है, सेल तो करनी नहीं है मशीनरी, इसलिए जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, जो भी उसका फिक्स्ड प्राइस है, जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, देखो ओरिजिनल कॉस्ट कह लो, एक्चुअल कॉस्ट कह लो या बुक वैल्यू कह लो, जितनी भी हमने लागत मतलब पैसा खर्च किया है उसको दिखाते हैं बुक्स में, ना कि मार्केट प्राइस को, क्योंकि मार्केट प्राइस कब मैटर करता है, जब हमें सेल करनी हो, लेकिन हमें सेल तो करनी नहीं है, कम से कम 10 साल हमें बिजनेस चलाना है, तो हमेशा कौन सी कॉस्ट पे दिखाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट्स विदाउट रेफरिंग टू देयर मार्केट वैल्यू, वो कह रहा है रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू, वो कह रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखेंगे कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, कि लगातार चलते रहना चाहिए, इसका एक एग्जाम्पल है, देखो ये एग्जाम्पल। तो बेटा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ किसका, मशीनरी का, देखो एक पेज ले लेते हैं, एक मिनट रुको, बस 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 बस, बस। एक मिनट, हाँ ये रहा, मान लो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी मैंने 5 लाख की परचेज़ करी है और मेरी अजम्पशन है कि ये 10 साल चलेगी, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10, ठीक है। तो मैं हमेशा क्या एज्यूम करूँगी, 5 लाख को मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, तो मैं ये एज्यूम करूँगी कि हर साल मशीनरी की वजह से मुझे 50,000 के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, 50,000, 50,000, 50,000, मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है मैं इसे एक ही साल का एक्सपेंसेस, 1 ईयर का ही एक्सपेंसेस नहीं मानूंगी, मैं इसे 10 ईयर्स के एक्सपेंसेस मानूंगी, तो इसका मतलब हर साल मुझे 50,000 के एक्सपेंसेस होंगे, ये होता है गोइंग कंसर्न। अगर मैं इसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं मानूंगी तो फिर तो मेरा एक ही दिन का मतलब फर्स्ट ईयर ही मेरे को 5 लाख का लॉस हो जाएगा। अगर उसकी कॉस्ट 5 लाख है तो मैं एक्सपेंसेस में 5 लाख दिखा दूंगी, इनकम तो मुझे अभी तक 5 लाख की होंगी नहीं, तो मेरी तो कंपनी डूब जाएगी। इसलिए जितने साल मैं एज्यूम कर रही हूँ कि वो 10 साल चलेगी, तो मैं करंट ईयर का एक्सपेंसेस वही एज्यूम करूँगी। अगर मैंने सोच लिया ये 10 साल तक चलेगी, तो जितने की कॉस्ट थी उसे 10 से डिवाइड कर दिया, मतलब 1 ईयर का कितना एक्सपेंस हुआ, 50,000, ठीक है। सेकेंड ईयर 50, थर्ड ईयर 50, इसलिए इसे डिवाइड कर दिया 10 ईयर्स में, ठीक है। वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ मशीनरी इज परचेज्ड विच वुड लास्ट
से दैट नेक्स्ट 10 ईयर द कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल बी सेपरेट ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट एंड लॉस ईच ईयर। तो क्या करेंगे हम 10 साल में उसे डिवाइड कर देंगे जिससे मुझे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ईच ईयर का पता लग जाएगा। बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न द फुल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वुड नॉट बी ट्रेडेड एज एन एक्सपेंसिस इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ। इसलिए वो कह रहा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से मैं ये एज्यूम नहीं करूँगा कि एक ही साल का ये खर्चा है, मैं उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, जितने साल गोइंग कंसर्न मतलब अगर मुझे लगता है 25 ईयर्स चलेगा तो 25 से डिवाइड कर दूंगा, अगर मुझे लगता है 20 ईयर्स चलेगा बिजनेस तो 20 से, मतलब हर एक 1 ईयर का एक्सपेंसेस मैं उसमें से कैलकुलेट कर लूँगी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्या कहता है। और वो कहता है इसीलिए अगर वो एग्जांपल पूछ लेते हैं जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ठीक है, और या फिर हमारे क्या इट इज़ ऑल्सो बिकॉज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द आउटसाइड पार्टी एंटर्ड इन टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द एंटरप्राइज, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम तक चलेंगे इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, हमें लोन देती हैं, हमारे डिवेंचर परचेज करती हैं ठीक है, और हमारे शेयर्स खरीदती हैं। अगर हम कह देंगे हम अगले साल ही अपना बिजनेस बंद कर देंगे तो वो क्यों हमारे शेयर्स खरीदेंगे, समझ रहे हैं आप। ठीक है अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट देख लो आप लोग, इतना बहुत है आप लोगों के लिए। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में क्या होता है कि कंसिस्टेंसी मतलब रहेगा, सेम रहेगा, हर साल जो मैं प्रिंसिपल यूज़ कर रही हूँ वही मैं नेक्स्ट ईयर यूज़ करूँगी। ठीक है आप समझ रहे हैं, जैसे जितने भी मैंने कोई मेथड अगर इस साल यूज़ किया है, हर चीज़ के 2-3 मेथड होते हैं, जैसे मशीनरी के डेप्रिसिएशन के 3 मेथड होते हैं आप पढ़ेंगे 16 चैप्टर में, आप 2 ही पढ़ पाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और यहाँ पर आएगा आप लोगों का एक आ जाएगा आप लोगों का स्ट्रेट लाइन और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है तो आप अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं ना फर्स्ट ईयर, तो सेकंड ईयर भी आप वही करेंगे, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस आप फर्स्ट ईयर यूज़ कर रहे हैं ना, जो प्रिंसिपल आप फर्स्ट ईयर यूज़ कर रहे हैं वही आपको सेकेंड ईयर यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा आप फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर से कंपेरिजन कर पाओगे, भाई आज आपने अलग रूल लिख लिए कल आपने अलग रूल, तो दोनों में प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाएगा, फिर आप कैसे कंपेरिजन कर पाओगे कि लास्ट ईयर आपको प्रॉफिट हो रहे थे या इस साल आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं। जब रूल सेम रखोगे, लास्ट ईयर जो मेथड यूज़ किए हैं वो नेक्स्ट ईयर भी यूज़ करोगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि हाँ लास्ट ईयर कितने प्रॉफिट हुए थे और आज कितने प्रॉफिट है। जैसे देखो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्ट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। वो कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड है ना कंसिस्ट रहने चाहिए एक जैसे, सेम, दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये हर साल चेंज नहीं होने चाहिए, इन ऑर्डर टू अनेबल द मैनेजमेंट टू द कंपेयर। इसलिए क्या होगा कि हम कंपेयर करने के लिए अनेबल हो जाएंगे प्रॉफिट और लॉस को एक साल से दूसरे साल, डिफरेंट पीरियड, मतलब इस साल अलग होगा सेकेंड ईयर हमारा प्रॉफिट कुछ अलग हो जाएगा अगर हम प्रिंसिपल्स और मैथड्स को चेंज कर देंगे। ठीक है एंड ड्रॉ द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन अबाउट मेकिंग द एंटरप्राइज, और अगर हम सेम रखेंगे तो हम कंपेयर कर पाएंगे और एक इम्पोर्टेंट क्या कंक्लूज़न निकाल पाएंगे कि हमारा काम कैसा चल रहा है, हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। फॉर एग्जांपल कह रहा है इफ़ ए फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन 2 अकाउंटिंग पीरियड, अगर अलग अलग 2 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, इस साल हमने अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ कर लिया, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च हम अलग, तो दोनों साल का हम कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे। कह रहा है 2 अकाउंटिंग पीरियड्स द प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर पीरियड। वो कह रहा है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम करंट ईयर के जो भी प्रॉफिट आए ना उनका लास्ट ईयर से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ फर्म कैन चूज एनी वन ऑफ सेवरल मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड यूज़ करती है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कह रहा है और एनी अदर मेथड और तीसरा भी हो सकता है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मेथड वंस चूजन विल बी फॉलोड कंसिस्टेंसली ईयर आफ्टर ईयर। वो कह रहा है अगर मैंने एक चूज़ कर लिया है तो मुझे हर साल वही यूज़ करना पड़ेगा। लाइकवाइज द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, सेम वैसे ही स्टॉक वैल्यूएशन का मेकिंग प्रोविजन फॉर लाइकली बैड डेट्स
कि बैड डेट्स, बैड डेट्स मेरे कौन होते हैं, गंदे डेटर होते हैं जो मुझे पैसे नहीं देंगे, उनके लिए जो मैं ट्रीटमेंट करती हूँ वो मुझे हर साल वही फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अपने प्रिंसिपल में, ताकि मैं प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉसेस का कंपैरिजन कर पाऊँ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, इसको एक बार रीडिंग कर लेना, इतना इनफ है वैसे। उसके बाद एक्रुअल बेसिस कंसेप्ट, एक्रुअल बेसिस क्या कहता है कि ट्रांजेक्शन है ना, जब हो गई तभी रिकॉर्ड कर देनी चाहिए। अगर मेरे कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग भी हैं, मान लो इस मंथ, मान लो आज क्या चल रहा है, जुलाई है, जुलाई को मैंने रेंट पे नहीं किया है ना, मेरा रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग, क्या है, आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है, तो अगर मैं 1 जुलाई की ट्रांजेक्शन कर रही हूँ ना रेंट की, तो मुझे आउटस्टैंडिंग शो कर देना चाहिए, चाहे मैंने अभी पैसा दिया है चाहे अभी मैंने पैसा नहीं दिया है। समझ रहे हैं आप, मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, जिससे मुझे पता रहेगा कि है तो एक्सपेंसेस भाई, जुलाई के मेरे इतने एक्सपेंसेस बाकी हैं तो मुझे लिख देने हैं, चाहे मैंने उसकी कैश में पेमेंट करी है चाहे नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्रुअल बेसिस कंसेप्ट, और अकाउंटेंसी हमारी एक्रुअल बेसिस ही होती है। ठीक है, क्या कहता है, इन अकाउंटिंग एक्रुअल बेसिस इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, इट प्रोवाइड मोर appropriate information about the performance of the business enterprise as compared to cash basis। वो कहता है ये ज़्यादा अच्छी मतलब होती है, appropriate information provide करती है, cash के compare में जो accrual basis होता है वो अच्छा होता है। cash में तो क्या होता है, जब पैसा आएगा, expenses जब तक pay नहीं करोगे cash में तब तक नहीं लिखेंगे, लेकिन accrual basis में क्या होता है, चाहे आपने pay किया है चाहे आपने नहीं pay किया है, आज अगर expenses हैं और देने बाकी हैं तो आप आज ही ट्रांजेक्शन कर दोगे, जब कैश चाहे पे करा है आपने चाहे नहीं करा है उसे शो ज़रूर करोगे। कह रहा है एक्रुअल बेसिक अप्लाइज इक्वली टू द रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, वो कहता है दोनों में इक्वली वो क्या होता है, अप्लाई होता है, रिवेन्यूज़ में भी और एक्सपेंसेस में। अगर इनकम भी चाहे कैश में नहीं मिली है तो भी आप उसे लिखोगे, एक्सपेंसेस भी चाहे कैश में पे नहीं करें तो भी आप लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 जैन को सेल कर दिया, लेकिन पैसा आया आपको 1 फेब को, तो जब आपने सेल किया ना 1 जैन को, ट्रांजैक्शन आप 1 जैन को ही कर दोगे एक्रुअल बेसिस में, लेकिन कैश बेसिस में 1 फेब को अगर आपको पैसा मिला है ना तो आप 1 फेब को दिखाओगे ट्रांजैक्शन, ऐसे ये डिफरेंस है। ठीक है, कह रहा है इन एक्रुअल कंसेप्ट रिवेन्यू इज रिकॉर्डिंग व्हेन सेल्स आर मेड, तब होती हैं रिवेन्यू का मतलब इनकम, तब लिख देते हैं जब सेल हो जाती है, और सर्विसेज आर रेंडर्ड, सर्विसेज जैसे ही आप दे देते हो तभी आप लिख देते हो, एंड इट इज़ इमर्शियल वेदर कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट, और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कैश मिला है या नहीं मिला है। सिमिलरली वैसे ही सेम एक्सपेंसेस को भी आप तभी रिकॉर्डेड कर देते हो जिस पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो एग्जिस्ट हुआ है, मतलब जब आपने वो एक्सपेंसेस जिस दिन हुआ है उसी दिन आप लिखोगे, चाहे कैश पे किया है चाहे आपने कैश नहीं पे किया है। दिस टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ ऑल एक्सपेंसेज एंड इनकम्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड, मतलब वो ये कह रहा है ये शो करता है कि हमारी एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजिशन किसी भी एंटरप्राइज की क्या है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कि सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स जो रिलेटेड करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के, उनको रिकॉर्ड करोगे एक्रुअल कैश हैज़ बीन पेड, मतलब जब ही रिकॉर्ड कर दोगे जब वो होंगे एक्चुअल, चाहे कैश पेड हुआ है और चाहे इनकम रिसीव्ड हुई है चाहे नहीं हुई है, जब इनकम हो रही है चाहे पैसा नहीं मिला लिख दोगे, एक्सपेंसेस जिस दिन हो रहे हैं उस दिन लिख दोगे चाहे आपने पे नहीं किया। ठीक है, एक्रुअल कंसेप्ट इज ऑफन डिस्क्राइब एज मैचिंग कंसेप्ट, इसको क्या भी बोलते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। 5th प्रिंसिपल है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर मैं किसी ट्रांजेक्शन को मनी में मेज़र कर सकती हूँ तो ही मैं उसकी ट्रांजेक्शन करूँगी, अगर मैं किसी ट्रांजेक्शन को मनी में डिफाइन नहीं कर सकती तो मैं उस ट्रांजेक्शन को नहीं लिखूँगी। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, मान लो हम किसी के लिए रोते हैं, हम बिजनेस में बहुत, मान लो किसी ओनर है, ओनर का दिल टूट गया है, वो बहुत उदास है, बहुत अपसेट है, उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लगता, ना उसको खाना अच्छा लगता है, ना उसको पीना अच्छा लगता है, ना ही उसको काम करना अच्छा लगता है, लॉस तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या इस लॉस को, क्या उसकी फीलिंग्स को आप मनी में डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना,
बिल्कुल नहीं कर सकते तो उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। कह रहा ओनली दोज ट्रांजेक्शन इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग विच आर कैपेबल फॉर ऑफ बींग एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को लिखेंगे जो कैपेबल हैं किसमें मनी की टर्म में एक्सप्रेस होने के लिए। एन इवेंट, कोई भी इवेंट या घटना, इवन दो इट मे बी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस, ये जरूरी हो सकता है कि बहुत ज़रूरी हो बिजनेस के लिए, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस अनलेस इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी विदाउट ए फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जब तक हम फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब है, जब तक मैं एग्जैक्ट ना बता दूँ इसका मनी में मुझे कितना लॉस हुआ है, तब तक मैं उस ट्रांजेक्शन को बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करूँगी, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट हो बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड ए क्वाल, लड़ाइयों को, झगड़ों को मैनेजर के बीच में और सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई हो जाती है, उससे बहुत लॉस होगा बिजनेस को, लेकिन उसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। इट डज नॉट रिपोर्ट दैट स्ट्राइक इज बिगनिंग एंड इट डज नॉट रिवील दैट द कंपटीटर्स हैज़ प्लेस ए बेटर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि हमारा जो है ना कंपटीटर बेटर प्रोडक्ट बना रहा है उसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है, या स्ट्राइक कर दिया हमारे वर्कर्स ने उसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि हम उसे मनी में मेजर नहीं कर सकते इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। दीज फैक्ट्स एंड हैपनिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी दिस दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे पर्टिकुलर बिजनेस डेज हैज़ इतना कैश है, इतने किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, तो किलोग्राम को हम नहीं लिखेंगे, इतने किलोग्राम ऑफ फिनिश गुड है इसको हम नहीं लिखेंगे, इतनी मशीन है, इतनी चेयर, इनको क्या करेंगे मनी की टर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। जैसे ऑल दिस थिंग्स कैन नॉट बी एडेड अप अनलेस एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी, जब तक ये मनी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो जाती तब तक हम इनको नहीं लिखेंगे। इन ऑर्डर टू मेक द रिकॉर्ड इन द आइटम्स दिस विल हैव टू एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म का मतलब है मनी के रूप में, मतलब पैसे में, मौद्रिक, ठीक है। जैसे कैश कितना है, इतना है। रॉ मटेरियल, अब यहाँ पर रॉ मटेरियल था इतने किलोग्राम्स, लेकिन यहाँ पर पैसे में कन्वर्ट होना चाहिए। फिनिश गुड यहाँ पर कितनी थी, इतने किलोग्राम, लेकिन अब पैसे में, मतलब मनी में जब तक आप उसे कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप उसे नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया। इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको मनी में मेज़र करनी पड़ेंगी ट्रांजेक्शन्स, और उसके बाद आप ट्रांजेक्शन्स को लिखोगे। दिस इज़ कॉल्ड मनी मेज़रमेंट कंसेप्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपके 5 कंप्लीट हो गए हैं, 5-6 रह जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।